हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया, इंडियन फूड विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया। दलिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, ये बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं। सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दलिया खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है और दलिया पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होती है। ये फाइबर से भरपूर होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर दलिया बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं दलिया बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दलिया बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी दलिया, जिसका मिक्सचर मैंने घर पे ही तैयार किया है। 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 कप हरी मटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 चम्मच घी, कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरा और हींग। तो फ्रेंड, दलिया बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसे मैंने गैस पर रख दिया है। अब उसके अंदर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब घी के अंदर हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च, सभी चीजों को हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसी के अंदर हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसे भी हल्का ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर जीरा मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है, क्योंकि दलिया के अंदर जीरा हमने पहले से मिक्स किया है, इसलिए हम जीरा इसमें थोड़ा ही डालेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसी के अंदर हम हरी मटर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर, सभी चीजें डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सब्जियों को हम 5 मिनट पहले पका लेंगे, फिर हम इसके अंदर दलिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सभी सब्जियों को मैंने 5 मिनट के लिए घी के साथ भून लिया है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसी के अंदर हम ये दलिया डाल देंगे और दलिया को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें सब्जियों के साथ इसे मिलाना है, तो अच्छे तरीके से हम इसे मिला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और ये सभी प्रोसेस मैं गैस की फ्लेम को मीडियम करके कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने दलिया को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे। और इसी के अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसे ढक करके 15 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो अब हम इसे ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी दलिया चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दलिया पहले से काफी पक चुकी है, इसे पकने में 15 मिनट लगा है। 5 मिनट हम इसे और पका लेंगे, तब हमारी दलिया रेडी हो जाएगी।
फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी दलिया रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हेल्दी दलिया बनकर तैयार हो गया है। ये दलिया बहुत ही हेल्दी होता है तथा वजन कम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये दलिया बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और ये दलिया आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, कोई भी इसे खा सकता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।